नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मीडिया क्विज सीरीज़ की इस कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। इन बेसिक क्वेश्चंस की एक मीडिया के विद्यार्थियों के लिए जानकारी होना जितना ज़रूरी है, उतना ही एक कॉमन मैन के लिए भी इन क्वेश्चंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की क्विज का पहला सवाल है, ऑन विच डे टीवी चैनल दूरदर्शन वॉज लॉन्च इन इंडिया, यानी दूरदर्शन हिंदुस्तान में कब शुरू हुआ। आपको दौर याद होगा जब केबल टीवी नहीं था और हम सब दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल्स और जो साप्ताहिक फिल्में आती थी उनकी बड़ा इंतज़ार हमें रहता था, और दूरदर्शन ही हमारे जो मनोरंजन का एक प्रमुख साधन उस वक्त हुआ करता था। तो हमें उस तारीख को ज़रूर याद रखना चाहिए जिस दिन हमारे जीवन में दूरदर्शन ने प्रवेश किया। आइए इसका आंसर देखते हैं, और आंसर इज़ सितंबर 15, 1959, यानी पिछले ही महीने दूरदर्शन ने अपना जो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट का डे है, जो स्थापना वर्ष है, वो मनाया है। और दूरदर्शन न केवल तब बल्कि आज भी दूरदर्शन के जो प्रोग्राम हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और आज भी दूरदर्शन एक तरह से पूरे देश को जोड़े रखता है। अगला सवाल भी दूरदर्शन से जुड़ा है, और सवाल ये है कि दूरदर्शन का मोटो क्या है। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में जब हमने प्रिंट मीडिया के क्वेश्चंस डिस्कस किए तो कुछ न्यूज़पेपर्स की हमने टैगलाइन का जिक्र किया, ठीक इसी तरह टीवी चैनल का भी अपना एक मोटो होता है टैगलाइन में जो झलकता है और उसी पे वो काम करता है। तो दूरदर्शन का मोटो क्या है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब भी आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे, जब भी आप दूरदर्शन का इतिहास पढ़ेंगे तो दूरदर्शन के मोटो से वाकिफ होंगे। तो दूरदर्शन का जो मोटो है, यानी जिस पे वो काम करता है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, दैट इज सत्यम शिवम सुंदरम। अगला सवाल भी दूरदर्शन से हमने लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर शुरुआत किसी ने की, एक तरह से दूरदर्शन था, उसी पे समाचार सेवा शुरू हुई, उसके बाद प्राइवेट चैनल जो बाद के सालों में आए। तो दूरदर्शन से जुड़े सवाल हमारे शुरुआत के हैं। कृषि दर्शन दूरदर्शन पर कब शुरू हुआ, व्हेन डिड कृषि दर्शन प्रोग्राम बिगिन ऑन दूरदर्शन। कृषि दर्शन, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जो टीवी चैनल्स की जो प्रोग्रामिंग है वो इस हिसाब से की जाती है कि उसमें हर वर्ग को एक तरह से प्रतिनिधित्व मिले, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जानकारियां हो, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर पाए। और कृषि, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए कृषि से जुड़े प्रोग्राम दूरदर्शन पर काफ़ी दिखाए जाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई, ये हमारा सवाल है। तो इसका आंसर है जनवरी 26, 1967, यानी 26 जनवरी 1967 को दूरदर्शन पर कृषि दर्शन प्रोग्राम शुरू हुआ। ये दौर वो दौर था जब हिंदुस्तान में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति का ये दौर था, जो दशक था जब गेहूं और जो चावल है उन फसलों की तरफ ध्यान दिया गया, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई गई, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और अन्न का या खाद्यान्न का जो प्रेशर पूरे देश में था। तो उस दौरान इस चैनल की एक तरह से जो प्रासंगिकता है, उसकी ज़रूरत है, बड़ी अहम थी, और एक तरह से नीड ऑफ द आवर उस वक्त थी। और दूरदर्शन ने कृषि दर्शन प्रोग्राम शुरू करके इस ज़रूरत को पूरा किया और पूरे देश को इसका लाभ मिला। हमने प्राइवेट चैनल्स का, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स का जिक्र किया, अब रुख करते हैं प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की ओर। और अगला सवाल हमारा प्राइवेट न्यूज़ चैनल से ही जुड़ा हुआ है। आप लगातार टीवी चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, आजकल तो 24 आवर्स के न्यूज़ चैनल्स हैं, तो आप ज़रूर ये आंसर आपको आना चाहिए। जो नेक्स्ट सवाल है, बड़ा आसान सवाल हमने रखा है, और सवाल है, आपको रखे आगे इज़ द टैगलाइन ऑफ विच इंडियन न्यूज़ चैनल। जैसे ही मैंने सवाल बोला, आपके दिमाग में आंसर भी ज़रूर आया होगा, अगर मीडिया के आप बच्चे हैं, और न केवल मीडिया के विद्यार्थी बल्कि जो आम आदमी जो हर रोज़ शाम को प्राइम टाइम देखता है, न्यूज़ चैनल देखता है, लगातार हर अपडेट के लिए न्यूज़ चैनल ऑन करता है, उसको ये आंसर ज़रूर आता होगा। आपको रखे आगे इज़ द टैगलाइन ऑफ एबीपी न्यूज़। जी हाँ, एबीपी न्यूज़ की टैगलाइन है, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ पहले स्टार के नाम से जाना जाता था, उसके बाद एबीपी ने इसे लिया, और एबीपी से पहले स्टार न्यूज़ के नाम से इसको जाना जाता था। 1998 में इसकी स्थापना हुई और स्टार न्यूज़ से एबीपी ग्रुप ने इसको ख़रीदा, उसके बाद इसको एबीपी न्यूज़ के नाम से जाना जाता है। प्राइवेट न्यूज़ चैनल से ही हमारा एक और सवाल, एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविज़न, अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे कोई पूछे, एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविज़न, इसके फाउंडर कौन हैं, इसके संस्थापक कौन हैं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और आंसर इज़ प्रण रॉय और राधिका रॉय, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, और इन्होंने ये चैनल शुरू किया
NDTV जो कि आज देश का एक तरह से प्रतिष्ठित चैनल है और बहुत से अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट वहाँ से निकले हैं। एक्चुअली न्यू दिल्ली टेलीविज़न जो NDTV आप जिसे जानते हैं, ये शुरू में प्रोडक्शन हाउस रहा है। 1988 में इसकी स्थापना हुई और दूरदर्शन के लिए भी इसने कंटेंट तैयार किया है, बाकी टीवी चैनल्स के लिए भी इन्होंने कंटेंट तैयार किया है। तो एक प्रोडक्शन हाउस से और आज न्यूज चैनल तक का सफ़र इसने तय किया है और इसके फाउंडर जो रहे हैं वो हैं प्रण रॉय और राधिका रॉय। रेडियो से एक सवाल हम करते हैं, टीवी की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आते हुए। विविध भारती आपने सुना होगा और विविध भारती पे जो गीतमाला प्रोग्राम है, विविध भारती पे जो अलग अलग तरह के म्यूज़िक के प्रोग्राम आते हैं, उनसे आप अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि जब यूट्यूब नहीं था, जब दूसरे तरह के सोशल मीडिया या एक तरह से दूसरे साधन नहीं थे, केबल टीवी नहीं था, तो रेडियो हमारे मनोरंजन का साधन रहा है। क्योंकि हर किसी के लिए एक तरह से पोर्टेबल ये मीडियम है, सस्ता ये मीडियम है और मनोरंजन का साधन रेडियो होता था। और विविध भारती उस टाइम बड़ा प्रचलित होता था और आज भी इसके जो लोकप्रियता है उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो हमारा सवाल रेडियो से है, इन विच ईयर विविध भारती रेडियो चैनल वॉज लॉन्च्ड, यानी विविध भारती हिंदुस्तान में कब लॉन्च हुआ। इस सवाल का जवाब मीडिया के विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए और इसका आंसर है October 3, 1957, यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती सेवा शुरू हुई। इसके बाद हम दोबारा टीवी चैनल की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ संगठन अलग अलग मीडिया हाउसेज जो हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, वो संगठन बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं ताकि वो उनके इंटरेस्ट के लिए एक तरह से लड़ाई लड़े, उनके इंटरेस्ट के लिए सेफगार्ड का काम करे। इसी तरह का एक जो संगठन है, दैट इज़ NBA। तो आपको बताना है NBA स्टैंड्स फॉर व्हाट, NBA क्या है, इसकी एब्रिवेशन क्या है और ये क्या काम करता है। तो इसका आंसर है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। और ये जो एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं वो न्यूज़ चैनल्स, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स और करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम देते हैं, न्यूज़ का जो प्रोग्राम देते हैं, वो बहुत से न्यूज़ चैनल्स इसके मेंबर हैं। उन सब ने अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए इसको एक तरह से संगठन को बनाया हुआ है जो इनके हितों की लड़ाई लड़ता है, NBA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। न्यूज चैनल की दुनिया से ही एक और सवाल, अलग अलग शो जो कि अपनी खास पहचान बना लेते हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे आते हैं जिनको हम वाकिफ हो जाते हैं, हर वीक या जब भी वो प्रसारित होता है उसका हम इंतज़ार हमें रहता है, उसका वेट हम करते हैं और बहुत लोकप्रियता उस शो की होती है। ठीक इसी तरह का शो है आपकी अदालत, टीवी शो आपकी अदालत ब्रॉडकास्ट ऑन विच इंडियन न्यूज़ चैनल। आपको बताना ये है कि आपकी अदालत टीवी शो कौन से समाचार चैनल पर प्रसारित होता है। आप ज़रूर आपने इसको देखा होगा, इसका जो रीटेलीकास्ट करते हैं, दोबारा इसका प्रसारण कई बार होता है, वो आपने देखा होगा कि कभी ना कभी आपने इस प्रोग्राम को देखा होगा। बड़ा एक लोकप्रिय प्रोग्राम और एक लंबे अरसे से, लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा समय से ये लगातार चल रहा है और इसको जो एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, एक तरह से वेटरन जर्नलिस्ट हैं, रजत शर्मा जी, वो इसको होस्ट करते हैं। अब इसका आंसर जो है आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह आ गया होगा और इसका आंसर देख लेते हैं। एंड आंसर इज़ India TV। India TV पर आपकी अदालत प्रोग्राम प्रसारित होता है और अलग अलग फील्ड की जो हस्तियाँ हैं, चाहे वो बॉलीवुड की अलग अलग सेलिब्रिटीज़ की हम बात करें, पॉलिटिकल फील्ड से या अलग अलग क्षेत्रों से, जो कहीं ना कहीं खबरों में रहते हैं या उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ हटके काम किया है, उनको इस शो में आमंत्रित किया जाता है और उसका साक्षात्कार लिया जाता है और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, साथ में ऑडियंस भी रहती है, वो भी उस गेस्ट से अपने सवाल पूछ लेती है। हमारा जो अगला सवाल है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज़ हु वॉज द फर्स्ट न्यूज़ रीडर ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन से हम शुरू हुए और दूरदर्शन पर हम दोबारा फिर आ पहुँचे हैं। आपको बताना है कि दूरदर्शन की पहली न्यूज़ रीडर या न्यूज़ एंकर कौन रही हैं। आज अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर आप न्यूज़ एंकर्स देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर बहुत से एंकर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, और एक क्योंकि मीडिया एजुकेशन इतना एक्सपेंड किया है तो उसके बाद बहुत से बच्चे जो जर्नलिज्म के सेक्टर में आए हैं, लेकिन दूरदर्शन के वक्त यूथ का रुझान इतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं था। तो उस वक्त जो शुरुआत जिन्होंने की उन्हें हम सब जानते हैं और उनकी जानकारी हमें होनी भी चाहिए। तो इसका आंसर है प्रतिमा पुरी। जी हाँ, प्रतिमा पुरी जो दूरदर्शन की पहली न्यूज़ रीडर रही, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन था और जब वो समाचारों की प्रस्तुति करते थे तो पूरा हिंदुस्तान उनको देखता था, उनकी खबरों को बड़े चाव से सुना और देखा जाता था। अगला सवाल हमारा है प्रसार भारती से। प्रसार भारती जो एक तरह से दूरदर्शन और AIR ऑल इंडिया रेडियो जो है उसके पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जिसकी दो बहुत बड़ी यूनिट हैं एक तरह से, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन।
जो सार्वजनिक प्रसारण सेवा का एक तरह से स्तंभ हिंदुस्तान में है प्रसार भारती, तो आपको बताना ये है कि प्रसार भारती जो है वो कब स्थापना उसकी हुई, इन विच ईयर प्रसार भारती केम इन टू एग्जिस्टेंस, आपको पता होना चाहिए। और इसका आंसर है नवंबर 23, 1997, यानी 1997 में प्रसार भारती जो है वो अस्तित्व में आया, और उसके बाद लगातार ये एक सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी या जो सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं हैं दूरदर्शन और AIR, उसके कामकाज को लगातार संभाले हुए हैं, उनको गाइड करता है, उनके लिए मार्गदर्शक का काम करता है, और हिंदुस्तान की जो सार्वजनिक प्रसारण सेवा है उसको लगातार सुदृढ़ बना रहा है, उसको लगातार मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों, आज मीडिया क्विज़ की सीरीज़ में हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ सवालों पर चर्चा की, हमने कुछ सवाल साझा किए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, इसी तरह की अलग अलग विषयों पर मीडिया क्विज़ के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।